हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज की एक्सरसाइज है, ये एलिमेंट्री एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे वर्ब के फॉर्म के बारे में। बी वर्ब है जिसमें आपकी इज, एम, आर, इसके साथ साथ पजेसिव एडजेक्टिव माई, योर, हिज, हर के बारे में भी यहाँ पर एक्सरसाइज देखेंगे। और इसके साथ साथ सब्जेक्ट प्रोनाउंस जो हैं, प्लूरल नाउंस एंड नंबर्स, इनकी एक्सरसाइज हम करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहला सेंटेंस लेते हैं। एलिमेंट्री एक्सरसाइज है तो ये एक्सरसाइज बेसिक जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं उनके लिए, साथ ही साथ ऐसे स्टूडेंट जो एकेडमिक एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, और जो स्टूडेंट्स से कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और बेसिक पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये क्लास काफ़ी यूजफुल होगी। तो सबसे पहले लेते हैं सेंटेंस वन, और यहाँ पर कोई पूछ रहा है, हेलो व्हाट डैस योर नेम। तो यहाँ पर आपको फिल करना है एच, आर, एम या फिर बी में से क्या प्रयोग करेंगे। तो देखिए, ये जो तीनों वर्ब लिखी हुई ना, ऑप्शन जो ए बी सी हैं, इनको हम बी वर्ब बोलते हैं। और बी वर्ब का मतलब होता है कि ये इंग्लिश में आपकी एडजुलरी वर्ब के अंदर आती हैं। मेन वर्ब के रूप में भी हो सकती हैं, लेकिन एडजुलरी वर्ब जिसे आप हेल्पिंग वर्ब बोलते हो, और ये होती है इज, एम, आर, बाज, वर, ये फॉर्म इसके बनते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, योर नेम के अकॉर्डिंग, यहाँ पर नेम आपका क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर वर्ब आएगी और राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सेंटेंस वन में। नेक्स्ट है सेंटेंस टू, और सेंटेंस टू में है डैश, नेम इज जॉन एंड माई डैश इज जॉनसन। तो आपको बताना है कि यहाँ पर योर सरनेम, माय सरनेम, आई सरनेम, आई नेम, इन फोर ऑप्शन में से हम कौन सा राइट आंसर यहाँ पर प्रयोग करेंगे क्वेश्चन नंबर टू में। जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा। इसके साथ साथ मैं बता दूं, यदि आप लोगों ने अभी तक इंग्लिश पॉइंट ऐप को डाउनलोड नहीं किया हो तो प्ले स्टोर से आप लोग इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको कई सारी टेस्ट सीरीज और इसके साथ साथ इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट कोर्स भी मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर टू में जो करेक्ट आंसर है वो देखिए, यहाँ पर नेम आपका नाउन है और नाउन के साथ यहाँ पर अब आपको यूज करना है एडजेक्टिव। तो पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर आपका आएगा पजेसिव एडजेक्टिव, देखिए क्या आएगा, माई, माई नेम इज जॉन, मेरा नाम जॉन है, और माई डैश इज जॉनसन, और मेरा जो सरनेम है वो क्या है। अब माई आपका यहाँ पर भी पजेसिव एडजेक्टिव है, तो इसके बाद ध्यान रहे पजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं ना, इनके बाद हमेशा नाउन का प्रयोग किया जाता है। किन का यूज होता है, नाउन का प्रयोग किया जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव के बाद। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर टू में, कि माई सरनेम इज जॉनसन, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर टू। नेक्स्ट है सेंटेंस थ्री, सेंटेंस थ्री में है My name is Lisa and फुल स्टॉप है यहाँ पर, देखिए ध्यान से, Lisa Peterson। आपको बताना है my am, I is या I am या फिर होगा I, क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थ्री में। तो बहुत ही सिंपल है, तो कोई बोल रहा है कि मेरा नाम Lisa है, Lisa है, और उसके बाद वो अपने बारे में बता रहा है, पूरा नाम बता रहा है, Lisa Peterson। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, I am। आप चाहें तो आई एम का शॉर्ट फॉर्म भी ले सकते हो, आई एम, इस तरह से, ठीक है, अपोस्ट्रोफ भी लगा के ऐसे लिखोगे, इज इक्वल टू आई एम, बोथ आर राइट। ऑप्शन कौन सा राइट होगा, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर थ्री में। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, डैश नेम इज एप्पल डैश एन एप्पल। तो एप्पल ये क्या है, आपका सरनेम, किसी का सरनेम है, कैपिटल ए लिखा हुआ है ना, ओके। इसके आगे है एन एप्पल, एन एन लड़की का नाम है, फीमेल है, और ये एप्पल आपका सरनेम उसका लगा हुआ है। तो यहाँ पर कौन से पजेसिव फ्रेज या फिर प्रोनाउन क्या प्रयोग करें, जल्दी से कमेंट करो क्वेश्चन नंबर फोर में राइट आंसर क्या है। तो एन ये लड़की है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या यूज करेंगे आप, या आप यूज करेंगे हर, हर नेम इज एप्पल, उसका नाम एप्पल है, यानी कि सी इज एन, ये नाम तो लिखा ही है, सी इज एन एप्पल, ओके। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर में। नेक्स्ट है सेंटेंस फाइव, सेंटेंस फाइव में है वेयर डैश जॉन फ्रॉम, जॉन कहाँ से है, फ्रॉम द यूएस,
तो यहाँ पर आपको वर्ब बताना है, बी वर्ब में से क्या यूज होगा, प्रोनाउन कौन सा प्रयोग करेंगे, इज या हीज, इज हिज, एम या हीज, इज या फिर सीज। क्वेश्चन नंबर 5 राइट आंसर जॉन। जॉन एक मेल है, इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, सबसे पहले तो वर्ब यूज होगी यहाँ पर इज, वेयर इज जॉन फ्रॉम, जॉन कहाँ से है। तो जब ये मेल है तो इसका जो प्रोनाउन बनाएंगे वो मैस्कुलाइन जेंडर है, तो यहाँ पर उसका जो प्रोनाउन बनाएंगे वो क्या लिखेंगे, ही इज फ्रॉम द यूएस, वह यूएस से है। अब यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ ही इज। इसका यदि हम फुल फॉर्म लिखेंगे ना तो कैसे लिखेंगे, फिर ही इज, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन नंबर 6 में है, आर यू फ्रॉम जापान, व्हाट, हु, वेयर या फिर व्हेन, किसी ने पूछा, आंसर है जापान। तो क्वेश्चन नंबर 6 राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो यहाँ पर देखिए, जब आप पे किसी पर्सन से प्लेस के बारे में पूछ रहे हैं, किसके बारे में पूछ रहे हो, प्लेस स्थान के बारे में, जापान क्या एक कंट्री है, देश का नाम है, स्थान है, तो क्वेश्चन उसका जो पूछा जाएगा वो किससे पूछा जाएगा, वेयर से। यदि व्हेन से क्वेश्चन होता है तो हमें आंसर में क्या बताना होता है, टाइम। वेयर से क्वेश्चन होता है तो हमें क्या बताना होगा, प्लेस। हु से पूछा जा रहा है तो हमें किसी पर्सन के बारे में केवल नाम बताना है कि किस पर्सन ने ये कोई कार्य किया है, और व्हाट से पूछा जा रहा है तो हमें कोई ऑब्जेक्ट के बारे में बताना है, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, और यहाँ पर आपको लिखना है वेयर आर यू फ्रॉम, ऑप्शन रहेगा सी। सेंटेंस 7 है, वेयर यू एंड क्वेश्चन मार्क, दो जगह पर आपको फिल करना है, एक जगह वर्ब फिल करना है, एक जगह आपको प्रपोजिशन फिल करना है, करेक्ट आंसर क्या है ये बताना है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है वेयर से, यानी कि क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि आप कहाँ से हैं, यू लगा हुआ है तो इसके साथ जो बी वर्ब यूज होगी वो कौन सी होगी, आर, वेयर आर यू, और आप कहाँ से हैं तो इसके लिए यूज करेंगे फ्रॉम, क्या प्रयोग करेंगे, फ्रॉम। तो करेक्ट आंसर होगा आपका वेयर आर यू फ्रॉम, ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा, राइट आंसर है ऑप्शन डी सेंटेंस 7 का। नेक्स्ट है सेंटेंस 8, सेंटेंस 8 में है डैश फ्रॉम स्पेन, आई एम रॉड्रिगेज, तो यहाँ पर प्रोनाउन और वर्ब बताना है, आई एम, ही इज, यू आर या फिर सी इज, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सेकेंड सेंटेंस में लिखा हुआ है आई एम, तो सेम प्रोनाउन एंड वर्ब यहाँ पर भी प्रयोग करना है आपको, यहाँ पर भी आपको यूज करना है, आई एम फ्रॉम स्पेन, मैं स्पेन से हूँ, एंड आई एम रॉड्रिगेज, यानी कि मेरा नाम रॉड्रिगेज है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सेंटेंस 9, सेंटेंस 9 में है पायरे इज अ फ्रेंच बॉय डैश फ्रॉम, हीज फ्रांस, हीज या फ्रेंच, ये कि पायरे जो वर्ड मैंने पढ़ा था, ये पढ़ा था जीन एंड पायरे की स्टोरी थी, है ना, फ्रेंच राइटर था और ये टथ्स के बारे में थी, आई थिंक ईल एंड पाई के बारे में थी, तो वहाँ पर ये वर्ड था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा सेंटेंस 9 में, करेक्ट आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए, सेंटेंस 9 का राइट आंसर क्या होगा। तो पायरे ये फ्रेंच बॉय, बॉय है तो इसके लिए जो हम जेंडर है वो मैस्कुलाइन जेंडर है, तो इसके लिए क्या यूज करना, ही इज फ्रॉम, वह कहाँ से है, और कहाँ से है वो, फ्रांस से है, तो ही इज फ्रॉम फ्रांस, करेक्ट आंसर कौन सा होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सेंटेंस 9 में। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस 10, एंड सेंटेंस 10 में है लीजा एंड मैथ्स आर अमेरिकन्स, लीजा और मैथ्स क्या कहाँ से हैं, अमेरिकन है वो, एंड फ्रॉम यूएसए, तो देयर, देयर, दे आ या देयर आ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा सेंटेंस 10। तो यहाँ पर दो पर्सन है, ठीक है, इसके लिए जो प्रोनाउन बनाएंगे फिर हम वो बनाएंगे दे, और दे के साथ जो वर्ब लिखेंगे, जो एडजुलरी वर्ब आएगी बी वर्ब, वो आर आएगी, इसका फुल फॉर्म लिखेंगे तो आप क्या हो जाएगा, दे आर, करेक्ट आंसर होगा सेंटेंस 10 का ऑप्शन नंबर सी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, थैंक यू।